पत्नी का माने क्या होता है, 10 साल का माने बच्चा है वो, कहाँ बच्चा आपका, रहना ना चाहिए। तब कही है कि बच्चा अबॉर्शन कराता था, ये वो था, मैंने ये सब डीम डाम ढकोसला है। जैसे ही हुआ तो लगा कि नहीं मेरा प्रमोद जूनियर प्रमोद है, तुम भाग जाती, भाग के कहीं से बच्चा उच्चा फिर अपना पूरा सेटल करके लेके आती। कि वही प्रमोद प्रेमी है जो कि चिराग पासवान को होली में चोली बेचवा रहे थे, कोची कोची मैंने गाना गाया था अभद्र तरीके से। भोजपुरी में हम एक चीज देखे हैं कि कोई अगर स्टार बड़ा बनने लगता है ना तो उसके पीछे आदमी मतलब हाथ गोड़ धो के निहार के पड़ जाता है, तो बोल रहे जाओ जाके जाओ इंसाफ दिला दो, सच बोल रहा था दिला दो इंसाफ। अरे 10 साल साथ रहा था बच्चा उच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समीर चौधरी बोल रहा है बात, ये हीरोइन है, कहो कि हम हीरोइन ही है। ये भैया उसमें कौन कलाकार जो एक नाव पे खाली चल रहा है, कला ना तो कभी खेसारी जी के साथ काम किए, ना पवन जी के साथ किए, ना कभी गुंजन सिंह के साथ काम किए, मतलब सिर्फ आप सोच लिए थे कि हमारा भैया एकरा पति परमेश्वर बनाना है, एकरे साथ जीवन चलाना है, जबकि हो नहीं सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था प्रमोद प्रेमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का जो मैटर है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, कभी पवन सिंह और उनकी पत्नी को लेकर मामला सामने आता है, तो वहीं अब प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का जो मामला है वो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हमेशा महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने वाले एवं समाज सेवी और इसके साथ ही भोजपुरी एक्टर समीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो प्रियंका राय और यह जो प्रमोद प्रेमी वाला जो मामला है उसे ये कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहें कि प्रमोद प्रेमी ने गलती किया। क्या गलती किया भैया, तो भलाई करके इसने गलती किया। और समीर चौधरी ये वही प्रमोद प्रेमी है जो कि चिराग पासवान को होली में चोली बेचवा रहे थे, कोची कोची मैंने गाना गाया था अभद्र तरीके से, जिसको लेके हम लोगों ने विरोध जम के किया, गाना भी डिलीट हुआ, अगला माफ़ी भी मांगा। तो यहाँ कोई एक पक्ष का बात नहीं हो रहा। आखिरकार अगर प्रियंका जैसे शिव कुमार कोई दूल्हा है भैया यूपी में, पता जैसे चला हम लोगों को उसका वोट आधा वोटर कार्ड पे, और बिहार में प्रमोद प्रेमी, तो भैया नेपाल में कौन। मतलब कि आए दिन भोजपुरी में हम एक चीज़ देखे हैं कि कोई अगर स्टार बड़ा बनने लगता है ना तो उसके पीछे आदमी मतलब हाथ गोड़ धो के निहार के पड़ जाता है। अगर पर ये प्रियंका अगर 10 साल 15 साल से अगर करीब पत्नी है, पत्नी ठीक है, पत्नी का माने क्या होता है, 10 साल का माने बच्चा है वो, कहाँ बच्चा आपका, रहना ना चाहिए। तब कही है कि बच्चा अबॉर्शन कराता था, ये वो था, मैंने ये सब डीम डाम ढकोसला है। हम सपोर्ट उसी को करते हैं जिसके लिए मन लगता है। अभी प्रमोद प्रेमी यहाँ पे सही है, ये जो है पैसों का मांग है, डिमांड है, नहीं तो आप मान लीजिए आप पति पत्नी है, कहीं लड़ाई नहीं होता, सब घर में होता है ना लड़ाई, तो आप लड़ाई अपने बंद कमरे में करते ना। आए बंद कमरे का बात आप सबको बता रहे हैं, हाँ, लेकिन बंद कमरे में लड़ाई नहीं की आप लोग। लेकिन लड़ाई को तो सुलझाया भी जाता है ना, वो कह रही है कि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, वो कैसे बात करेंगी, कहाँ ब्लॉक। अरे भैया अभी भी जहाँ रह रही है ना वो भी प्रमोद प्रेमी के देवले फ्लैट है। अच्छा, उनका दिया हुआ ही है, मैंने उसी का दिया हुआ है, पता कीजिए, जाइए आराम में देखिए, हमसे बातचीत हुई थी ठीक है, तो बोल रहे थे कि समीर जी, समीर देवर आप हमारा बारे में क्या जाना था, ये है वो, हमने सुनिए ना आपके बारे में। प्रियंका राय से बात हुआ, ये हमारी बात हुई थी जो कि हमारे एक्टर समीर चौधरी के पेज पे डाला हुआ भी है इंस्टाग्राम पे, तो आप जाइए आप लोग वहाँ पूरा सबूत देखे, बिना सबूत और डंके की चोट पे ही हम बात करते हैं, हम ऐसे नहीं बतियाते, हम पागल नहीं हो गए। देखिए अभी आपको सबूत दिखाते, ये जो है अब इस पे भैया, तो अब सरकार पे भी बात उठ रहा है कि भैया अभी यूपी के भैया ऐसा कौन आती है जहाँ पे देखे वोटर कार्ड में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और नाम है, हम लोग क्या लिखा हुआ, प्रियंका लिखा हुआ है, दिखाइए, प्रियंका शिव कुमार। अब हमको ये नहीं पता है कि आखिरकार अभी जो ये जो दिया हुआ ना, ये नंबर से आप लोग भी थोड़ा सर्च कर लीजिएगा ठीक है, जहाँ पे वोटर कार्ड दिखता है ना गूगल पे, वहाँ से जाकर निकालिएगा, हम वहीं से निकाले थे इसका। प्रियंका राय तो कह रही है कि साथ में रहते थे और कई दिनों से वो उनके ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं, उन्हें काफी परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लाइव आती हैं और रो रोकर अब उनके ऊपर जो बीता हुआ है वो सब कुछ बताती हैं। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि आदमी 10 साल अगर साथ रहेगा तो ये बहुत अटूट प्रेम न हो जाता है, अब उस अटूट प्रेम में आपके पास कोई एविडेंस सबूत है, आप बोलती हैं कि हमको अलग जगह भेजता था तो इसके साथ ये वो मतलब जिस तरह से अभद्र तरीके से इन्होंने बोला, तो हमको नहीं लगता कि एक इज्जतदार महिला है। अच्छा दूसरी बात, ये हीरोइन है, कहो कि हम हीरोइन ही है, ये भैया उसमें कौन कलाकार जो एक नाव पे खाली चल रहा है, कलाकार की जाति होती है उड़ने वाला पंछी, वो सबों के साथ काम करता था ना, कलाकार कहलाता है। आप ना तो कभी खेसारी जी के साथ काम किए, ना पवन जी के साथ किए, ना कभी गुंजन सिंह के साथ काम किए, मतलब सिर्फ आप सोच लिए थे कि हमारा भैया एकरा पति परमेश्वर बनाना है,
एकरे साथे जीवन चलाना है, जबकि हो नहीं सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था प्रमोद प्रेमी, उसके चार बच्चे हैं। वो कह रही है उनको पता नहीं था, पता होता तो कभी नहीं करती। सब पता है, पते के बिना एकरा पता चल गया। आज जब स्ट्रगल पीरियड में थे वो तब से नहीं, तबे से नहीं है, हम इतना जानते कि ये थी बहुत पहले से, इसका मनसा था कि हम इनके साथ रहेंगे तो हम ये, लेकिन आज के डेट में भाई पिता अगर बच्चा को बड़ा करता है तो वो लात मार के भाग देता है, तो तुम लोग क्या हो भाई, तुम तो मनसा बना के ही चली थी कि ये गायक बन जाएगा तो हम राज करेंगे, जो कि हुआ नहीं। आपको कलाकार जैसे करी उम्र ढल गया हमारा, तो आपका उम्र जब ढल रहा है ना तो आप इस तरह के बेतुकी बात कर रहे हैं, आप अपना एक मतलब सोशल हैंडल बना रहे हैं कि चलो हम जाते जाते अपने आप को एक लाइमलाइट में रखेंगे और मतलब फॉलोवर वोलोवर बना के रहेंगे, जो कि ऐसा समीर चौधरी नहीं होने देगा आपको। अच्छा, तो वो फॉलोवर्स बनाने के लिए लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तो कौन जानता था पहले से, आप लोग जानते थे उसको? नहीं ना, पहले से नहीं ना जानती थी, नहीं। कोई भी नहीं जानता था भाई, जनता भी देख रहा नहीं जानता था। तो अगर ये सही है तो हम लोग जैसे लोग हमेशा खड़ा है इसके लिए, लेकिन सही नहीं है क्योंकि ये अपने आप को कलाकार करी और कलाकार का जाति सबके साथ उड़ के काम करना होता है, ये एक पंख के साथ काम कर रही थी, मनसा इनका था। अच्छा, वो उनसे प्यार करती थी ना, प्यार मोहब्बत है इसलिए। अरे प्यार तो भैया है जानवर से आदमी करता था, की कहने का मतलब, ऐसा थोड़ी होता है। प्यार का मतलब क्या होता है, मैंने 10 साल साथ रहा था, बच्चा उच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये समीर चौधरी बोल रहा। अल्लाह के रोशन करा जाए जो करावे, मैं एगो माँ के ममता अलगे होता, मैंने जैसे ही हुआ तो लगा कि नहीं मेरा प्रमोद जूनियर प्रमोद है, तुम भाग जाती, भाग के कहीं से बच्चा उचाओ फिर अपना पूरा सेटल करके लेके आती, एगो सबूत तो रखती ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे डिंग हाँकने वाला बात मार रही है इन्होंने, करे रोबे धो। आप किसका साथ दे रहे हैं, आप प्रमोद प्रेमी का साथ? सच्चाई का साथ देते हैं हम, कौनों का साथ नहीं दे रहे हैं। आज अगर पता चलता है कि अगर प्रमोद प्रेमी ऐसा है तो आज समीर चौधरी जम के विरोध करेगा। अच्छा, पता चल जाता है कि समीर चौधरी एकदम गलत है तब क्या बोलेंगे प्रमोद समीर चौधरी? आप बोल रहे, एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि प्रियंका राय अपने आप को बनाने के लिए लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कुछ कर रही है, और कल को पता चलता है कि प्रमोद प्रेमी गलत है तब क्या? हमको लगा कि बोल रही समीर चौधरी गलत है, भैया हम गलत जल्दी नहीं है, हम गलत तभी है जब अच्छाई बोलते हैं तो गलत लग जाता है, लोगों को बुरा लगता है। अच्छा, आप तो महिलाओं के लिए उनके लिए आवाज उठाते हैं, तो प्रियंका राय? अच्छा एक, अरे भैया महिला, हमारा एक बात बताइए कि हम ही एक महिला ऐसा है जो कि जीवी रोड की वो कॉल गर्ल को नौकरी लगवा दिए, ऐसा कोई किया? हम ही वो समीर चौधरी है जो कि बहुत सी महिलाएं हमको इतना इतना राखी बांधी रक्षाबंधन के दिन, जब भी कहूँ बलात्कार होता है मुजफ्फरपुर हो या कलकत्ता हो, समीर चौधरी पहले मुखर होकर जाता, कोनो जातिवाद नहीं करते हैं, कोनो पार्टी के झंडा का हम प्रचार नहीं करते हैं, इंसानियत का प्रचार करते हैं हम, तो हाँ सच्चाई होती है वही सच्चाई दिखाते हैं। तो अगर हमें लगता है, देखिए ऐसे तो लगता उगता नहीं है, लेकिन प्रियंका जो है ना कहीं इसके दिमाग में मास्टरमाइंड कुछ चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, तभी नहीं ये 10 साल साथ रही, बच्चा भी नहीं हुआ, और झूठ मूठ के मतलब कि अब आके उलूल जुलूल बोलना है, तो ये सरासर हमें लग रहा है ये साजिश के तहत ये किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सब लोग तो उनका साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सच बोल रही है, लड़की है, झूठ थोड़ी ना, सच बोल रही है तो जाओ जाके जाओ इंसाफ दिला दो, सच बोल रहा है तो दिला दो इंसाफ। अरे बुरबक ने बात करा, कलाकार की जाति होती है सबके साथ काम करना, यहाँ से सोचिए अगर समीर चौधरी मुखर होकर बोलता है तो इसका मतलब ही नहीं कि अपना घर भरने के लिए बोल रहा है, अगर हम चाहें तो यूट्यूब पे आकर बोल सकते हैं 2 रुपया कमाने के लिए, लेकिन नहीं, समाज हित बात कीजिए, समाज को हम आईना दिखा रहे हैं कि देखिए अगर ये कलाकार है प्रियंका तो इसको सबके साथ काम करना चाहिए, तो चमकती आगे बड़ा स्टार बनती, इससे छोटा छोटा बच्ची सब अभी आई है माही अरोरा ऐसा सब बहुत लड़की लोग जो आज हीरोइन बन गई, कैसे भैया, तो सबों के साथ काम की ना जी, सब लोग के साथ घुल मिल के काम कर रही है, बस हम इतना जानते हैं, अच्छा कीजिएगा अच्छा होगा। और एक बात, समीर चौधरी 10 साल से लेकर 50 साल की महिलाओं के लिए लेके आया है सेल्फ डिफेंस आत्म सुरक्षा, हाँ कराटा, वो भी निःशुल्क, हर संडे के संडे हम तमाम लोगों को जो भी बिहार के हैं बिहार के बाहर के जहां के भी रहिए हम आपको दे रहे हैं फ्री निःशुल्क कराटा यानी सेल्फ डिफेंस बच्चियों को, क्योंकि आज के डेट में हमारी बच्चियों के साथ जिस तरह से हो रहा है दुष्कर्म, तो उसको हम देखते हुए हम दे रहे हैं समीर चौधरी निःशुल्क दम, आइए ना, अरे भैया कम से कम 2 महीना भी सीख लेगी ना तो कोनो लड़का का दांत मुंह तो झाड़िए देगी। प्रियंका राय फूट फूट कर अब रो रही है, लाइव आती है और उनके पास काफी लोग अब जाते भी है, उनसे बात कर रहे हैं, उनके मामले को सुन रहे हैं, तो आप उस पे क्या मतलब क्या चाहते हैं कि फैसला क्या? कुछ नहीं, ऐसा फैसला उसला होने वाला है जब इनको अगला जज साहब पे भरोसा नहीं है, इनको कानून पे भरोसा नहीं है, तो केकरा पे भरोसा है अभी खुद जाने, ये खुद ना बोल रही है कि हमारा भैया प्रशासन साथ नहीं दे रहा, कानून साथ नहीं दे रहा, न्यायालय साथ नहीं दे रहा, जब आपको लग ही रहा है कि कोई साथ नहीं दे रहा तो आप सोच रहे हैं कि मीडियाबाजी करे से हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। पवन सिंह जी भी देखिए, ज्योति जी को देखिए क्या हुआ, मतलब मीडियाबाजी होने के बाद भी सब एक हुआ ना जी, तो परिवार एक के होता है, ऐसे परिवार की बेइज्जती रोड पे करिएगा तो आपकी छवि दिख रही है। चलिए,
तो जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना है कि बस सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए सिर्फ अपने आप को इतना ज़्यादा सुर्खियों में ला रही है, और वही इनका ये भी कहना है कि जो सच है, जो सच्चाई है, मैं उसका साथ दे रहा हूँ। अब बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।